सोमवार को गया पुलिस ने वेटनरी डॉक्टर संजय कुमार की हत्या का खुलासा करते हुए साजिशकर्ता वेटनरी डॉक्टर रवि रंजन की उसके सहयोगी के साथ राहुल के साथ गिरफ्तारी कर सफलता हासिल की है। मामला 9 दिसंबर 2020 की है, जहां मामा भांजे में दुश्मनी इतनी बढ़ने से मामला हत्या तक पहुंच गई। मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर संजय कुमार और डॉक्टर रवि कुमार मामा भांजे का रिश्ता था और साथ पढ़ाई किया करते थे। पेशे से भी दोनों वेटनरी डॉक्टर ही थे। दोनों अपने अपने इलाके में पशुओं का इलाज किया करते थे। यह दोस्ती दुश्मनी में बदलने का कारण मामा की साली से प्रेम प्रसंग था। इस प्रेम प्रसंग की जानकारी मामा संजय को मिलने के बाद भांजे रवि रंजन को फटकार लगाई, तभी से दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई और दुश्मनी हत्या को अंजाम दे दी। तो वहीं डीएसपी प्रवेंद्र भारती ने बताया कि दो अपराधियों के साथ साथ हत्या में प्रयोग किए गए सामग्री भी बरामद की गई है एवं दो अपराधियों की छानबीन की छापेमारी जारी है। ब्यूरो न्यूज़ बिहार के लिए गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। नदी है, उसी के पास डॉक्टर संजय पासवान जो झंझा पुत्र उनकी गोली मार करके इन अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई। इस संबंध में रोगी थाना में कांड अंकित किया गया था। कांड अंकित करने के उपरांत लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी। डीएसपी के नेतृत्व में सिटी एस पी के द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसमें टेक्निकल सहयोग के आधार पर लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी। छापेमारी क्रम में तकनीकी साक्ष्यों एवं सूचना संकलन के आधार पर राहुल कुमार को हम लोग ने गिरफ्तार किया। राहुल पासवान को गिरफ्तारी के उपरांत उन्होंने स्वीकार किया कि उसने हत्या की थी। उसके साथ अन्य सहकर्मी कैन पासवान और चंदन पासवान भी साथ में थे। कहाँ के हैं राहुल कुमार पासवान? राहुल पासवान जो ये डोभी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। चंदन पासवान? चंदन है कमरा टाउन है डोभी थाना क्षेत्र जी। और कैलू पासवान जो है चतरा जिला का रहने वाला है जी। तो इसी गिरफ्तारी के बाद इसने कहा कि हम लोग ये तीनों मिलकर के इस हत्या को अंजाम दिए थे। इसमें मुख्य जो है रवि रंजन कुमार जो है उसकी भूमिका थी, उसने उसके कहने पर ही हत्या लोग किया था। ये रवि रंजन कुमार कौन? रवि रंजन कुमार जी मृतक हैं, उनके भगना लगते हैं। अच्छा। और उनके साथ रह करके पहले पैक का काम ये भी करते थे। कुछ विवाद हो गया था, इस विवाद के कारण मामा से कमांडावत हो गए, उन्हें काफ़ी मारपीट करके निकाल दिया था। इसी कारण को लेकर के वो मन में द्वेष था। कहाँ का रहने वाला है रवि? ये बाराचट्टी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसने इसको हत्या करने के लिए कैलू पासवान को शुरू में 6,000 रुपये दिया और बुरा घटना हो जाएगी तो उसके बाद 30,000 रुपये। उसने इस घटना कर कारित करने के लिए अपनी R15 मोटरसाइकिल एक लाल रंग की थी, उसे भी दिया था। ये मोटरसाइकिल किसकी थी? तो मोटरसाइकिल जो है रवि रंजन की मोटरसाइकिल थी। उसी के नाम से रजिस्ट्रेशन है? उसके बनोई के नाम से रजिस्ट्रेशन है। बनोई का नाम क्या? बनोई का नाम वो रहने वाले जो है उसके नाम अभी नहीं बता पाएंगे। अच्छा, अच्छा। उसके बनोई की गाड़ी थी, बनोई की गाड़ी यही रखते थे अपने पास जी। और घटना कारित करने के लिए इनको इनके द्वारा ही दिया गया था उस गाड़ी। और घटना जब हो गया तो उसके बाद लगभग 4-5 दिन तक कैलू पासवान की गाड़ी को रखा भी था और घटना के बाद 30,000 रुपये और जो बकाया था उसने। तो टोटल हायर करने में कितना पैसा दिया इन लोगों को? लगभग 36,000 रुपये। 36,000 रुपया शूटर सुनला जी। इसमें अनिल कुमार की भी कोई भूमिका है जो पहले वो एक्चुअली केस में नामजद अभी बनाए गए थे और उसके विरुद्ध अभी अनुसंधान चल रहा है। अभी उनकी संलिप्तता अब तक सामने नहीं आई है? एक कॉन्स्पिरेसी के एंगल पर उन्होंने दिया था जी जी, लेकिन हमारे अनुसंधान में जो अभी जो अभी पकड़ाए हैं अभी इन्होंने उसके बारे में कुछ अभी नहीं बताया, लेकिन अभी अनुसंधान में चल रहा है। कुछ और खुलासा सर? हथियार को पकड़ लिए गए हैं सर? अभी दो लोग पकड़े हैं। एक कौन बचा हुआ है? अभी दो आदमी बचे हुए हैं। अच्छा, एक चंदन और कैलू, दो आदमी बचे। हथियार भी बरामद हुआ? हथियार की बरामदगी नहीं हुई है। घटना में जो हथियार इस्तेमाल किया गया था कैलू पासवान के पास है, हम लोगों ने छापेमारी की नहीं मिल पाया है और पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। और बाकी क्या बरामदगी है? उसमें एक R15 मोटरसाइकिल है जो घटना के दिन इस्तेमाल की गई थी, इसी मोटरसाइकिल से घटना किया गया था, तथा 3 मोबाइल फोन सेल फोन बरामद किया गया है। तो ये मोटरसाइकिल कहाँ से बरामद की गई है? मोटरसाइकिल रोशनगंज थाना क्षेत्र से, ये अपने ससुराल में रखा था। कौन? रवि रंजन
पकड़ाया, उसने स्वीकार किया कि उस मोटरसाइकिल का जो हमने पटना में प्रयोग करने के लिए दिया था उसके ससुराल में प्रसन्न थाना क्षेत्र में से उसके निशानदेही को बरामद। सनराइज ग्रुप ऑफ नोटबुक कंपनी अब आपके शहर बेगूसराय में हमारे यहाँ थोक एवं खुदरा में उत्तम क्वालिटी की सभी प्रकार की कॉपियाँ मिलती हैं एवं एजेंसी भी दी जाती है। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है मेहसा शाहपुर मंझौल बेगूसराय। आप हमें दिए हुए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 7209006558 और दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9717785713।